एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो एक टी टाइम स्नैक्स है। यस, दिस व्लॉग इज स्पेशली फॉर द चाय लवर्स, क्योंकि टी टाइम स्नैक्स और चाय लवर्स ये दोनों एक साथ ही जाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग चाय की बात करते हैं तो स्नैक्स जरूर आता है। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वहां मैं बनाने जा रही हूँ समोसे। यस, बट दिस इज नॉट दैट रेगुलर समोसा, देयर इज अ ट्विस्ट। आज जो मैं समोसा बनाने जा रही हूँ वो एक सरप्राइज है। क्या होगा वो, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं आउटर लेयरिंग की तैयारी। तो यहाँ मैंने ले लिया है लगभग 1 से 1.5 कप मैदा। इसमें मैं डालने वाली हूँ सबसे पहले नमक, स्वाद अनुसार थोड़ा सा डालेंगे, 1/4 टीस्पून। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा, 1/8 टीस्पून चीनी, शुगर, और फिर थोड़ा सा तेल। और तेल के साथ ही इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा, एक छोटा चम्मच घी। घी क्या करेगा ना, इसको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर तो देगा ही, साथ ही एक अच्छा सा, जब आप खाएंगे ना तो एक क्रंचीनेस भी रहेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको अच्छे से आटे को गूंदना है, जैसे हम लोग नॉर्मल समोसा बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बस वैसे ही थोड़ा सा हम गूंद लेंगे। देखिए, जैसे अब ये आटा यूं आपस में चिपकने लगे, ऐसे जब आप इसे मुट्ठी करके इसको ऐसे बना पाए तो आप समझ जाइएगा कि इसमें मोयम आ गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदेंगे। इकट्ठे बहुत सारा पानी एक बार में आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालिए और फिर गूंदिए। स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर एट अ टाइम। इकट्ठे अगर सारा पानी आप डाल देंगे तो अच्छा आटा नहीं गूंदेगा। आटा हमारा हो गया है, अब ये देखिए, ना ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा टाइट, जैसे समोसे का आटा हम बनाते हैं वैसे ही बनाना है। और बस उसको फिर मैं अब आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। जब तक आटा रेस्ट पे है तब तक हम करेंगे फिलिंग की तैयारी। तो आइए देख लेते हैं कि अब मैं इसमें फिलिंग क्या करने वाली हूँ। यहां मैंने लिया है ये नारियल। यस, दिस इज ग्रेटेड नारियल कोकोनट। यहां मैंने नारियल लिया है लगभग 1 से 1.5 कप। और यहां मैंने लिया है चॉप्ड अनियन, ये है लगभग 2 बड़े चम्मच। ये चॉप्ड अनियन जाएंगे इस कोकोनट में। जी हाँ, कोकोनट के अंदर जा रहा है अनियन। देन इसमें मैं डालूंगी घी, ग्रीन चिलीज, ये है 1 छोटा चम्मच। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर है। देन सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और हम इसमें डालेंगे शुगर, चीनी, ये थोड़ा सा हमें ज्यादा रखना है बैलेंस करने के लिए हमारे तीखेपन को। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच पूरा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया हुआ है चीनी का, मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिए हैं। अब लास्ट में मैं इसमें डालूंगी एक और चीज, वो है नींबू का रस। बस 1 से 1.5 कप ग्रेटेड कोकोनट के लिए हम यहाँ पे डालेंगे कितना, 1/4 टीस्पून नींबू का रस। उसके बाद आप सब मिक्स करके लास्ट में चेक कर लीजिएगा। अगर आपको जरूरत है, टैंगीनेस और पसंद है, तो आप और भी मिक्स कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस टेस्ट होना चाहिए, जितना तीखा उतना टैंगी, उतना मीठा और उतना ही नमकीन, सब कुछ एकदम बराबर होना चाहिए, कुछ भी ज्यादा नहीं। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम समोसे बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैंने डो ले लिया है, डो आपको लेना है रोटी के साइज के हिसाब से, जैसे हम लोग रोटियां बनाते हैं
उस हिसाब से हमें इसको लेना है। और हम इसकी पतली पतली पहले पूड़ियां बनाएंगे। थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद इसकी पतली पतली रोटियां पूड़ियों की तरह इसको बेल लीजिए। जिस हिसाब से जितने बड़े आपको समोसे खाने जितने, उस हिसाब से आप इसको बेल लीजिए। अब हम इसे बीच से स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में, लाइक दिस। यहां मैंने और भी बना करके रख दिए हैं ताकि आपका वेस्ट ना हो टाइम। और अब हम फिलिंग करेंगे। इस तरह से हम इसकी करेंगे फिलिंग। सबसे पहले तो ऐसे करके हमें बनाना है एक कोन। ध्यान रखिएगा अच्छे से ये चिपकना चाहिए, वरना आपके अंदर से सारे नारियल समोसे से बाहर आ जाएंगे। अब इसमें गया ये छोटा, एक दो तीन चम्मच नारियल। बहुत ज्यादा मत भरिएगा क्योंकि ये आलू नहीं है कि इसमें चिपक जाए। अगर आप ज्यादा भरेंगे तो आपके समोसे फटने का डर है। ऐसे करके लगाया है मैंने यहाँ पे मैदे और पानी का घोल बना करके। यूं इसको चिपका दीजिए और हमारे समोसे का आकार आ जाएगा। जो हम लोग रेगुलर समोसा खाते हैं मैंने वही शेप में बनाया है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं शेप तो आप अलग भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द मेन थिंग इज द टेस्ट विच इज टोटली डिफरेंट है। ये बन गया समोसा हमारा। यहाँ मैंने और भी बना करके रख दिए हैं समोसे। मैं एक और बना करके आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से इस एज को हमें फोल्ड करना है, पहले अच्छे से दबा देना है। देन योर कोन, यू विल गेट अ कोन। नाउ फिल द फिलिंग इन साइड टू एंड थ्री एंड देन सम मैदा वाटर मिक्सचर एट द एजेस साइड में लगाया एंड प्रेस इट। समोसे हमारे बन करके हैं तैयार, मतलब कि फिल होकर के हैं तैयार। अब हम करेंगे इसको फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में अच्छे से तेल ले लिया है, क्योंकि समोसे हैं तो डीप फ्राई तो होंगे ही। बस ये हीट भी हो चुके हैं। समोसे तलते वक्त हीट का ध्यान रखना है आपको। बहुत ज्यादा हीट में समोसे नहीं तलने हैं, वरना अंदर का लेयर क्या होगा ना, कच्चा रह जाएगा। तो क्या करना है, सबसे बेस्ट क्या होता है कि पूरा अच्छे से गर्म कर लीजिए तेल को और फिर धीमे करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि ये हल्का सा ठंडा जैसे हो जाए तेल, फिर आप इसमें समोसे डालिए। तो मैं शुरू कर रही हूँ एक एक करके ध्यान से इसमें समोसे। यूं में यहाँ मैंने बनाए हैं लगभग 20 से 24 समोसे बनके तैयार हुए हैं 1.5 कप मैदा से। अब मैं इसको आराम से धीरे धीरे तलूंगी, बहुत ज्यादा हिलाइए नहीं डुलाइए नहीं। एक साइड जब इसका हो जाए हल्का सा गोल्डन ब्राउन तब आप इसको टर्न करिए। और अगर बाय चांस आपको लगे कि कोई समोसा टूट रहा है अंदर से उसका फिलिंग बाहर निकलने वाला है, तो तुरंत उस समोसे को हटा लीजिए। उससे क्या होगा ना, एक तो वो कोई फायदा नहीं, वो पूरा जल जाना है अगर आपको उसको छोड़ देंगे। उसके वजह से बाकी समोसे भी खराब हो जाएंगे, पूरा तेल भी खराब हो जाएगा। इससे अच्छा अगर कोई टूट रहा है तो उसे आप हटा लीजिए। ठीक है, तो समोसे हमारे यहाँ पे तल रहे हैं। आराम से धीरे धीरे तलिए, कोई जल्दी नहीं है, उसको आराम से देखिए। हमारे समोसे एक साइड से यूं सिक गए हैं, हल्के हल्के से गोल्डन हो गए हैं कलर में। अब इसे हम टर्न कर देंगे और इसका दूसरा साइड सेकेंगे। मैं टर्न कर रही हूं तो मैं समझ पा रही हूं कि ये कितने क्रिस्पी बनने वाले हैं। मजा आने वाला है इनको खा करके। अब जब आपको लगे कि आपके समोसे बन करके अब तैयार हैं, अब आप इसको निकालेंगे, उससे पहले आप इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा घी। ये जो आपके समोसे में फ्लेवर ऐड करेगा ना, बस आप देखते जाइए। तो
डोसे अब हमारे पूरे रेडी हो गए हैं। मैं अब यहाँ पे आंच को बढ़ाऊंगी। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी कुछ आप फ्राई करके निकाल रहे हैं तो आंच को बढ़ा करके निकालिए। ये देखिए मेरा एक समोसा यहाँ पे टूट गया था तो मैंने इसको पहले ही निकाल लिया। तो अब हम बाकी समोसों को निकाल लेंगे। मैं ये बाकी रेगुलर समोसे जो हम बाजार से लाते हैं उसके तरह उतना लाल नहीं करती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा हल्का गोल्डन ही रखूंगी। इसको मैंने टिश्यू पेपर बिछा लिया है और उसमें मैं निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी हमारे समोसे से निकल जाए। तो यहाँ बन करके तैयार हो गए हैं हमारे समोसे। अब आप इसको चाहे सॉस के साथ खाइए, चाहे तीखी चटनी के साथ खाइए, चाहे मीठी चटनी के साथ खाइए, ये आपके ऊपर है। मैं इसको खाऊंगी मीठी चटनी के साथ। और क्या चाहिए? हाँ राइट, और हमें चाहिए एक कप चाय। चाय के बिना समोसा, जब चाय हो तो समोसा हो, जब समोसा हो तो चाय हो। दीज टू आर जस्ट मेड फॉर ईच, अगर आप कह सकते हैं। सो अब अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बने रहिए मेरे साथ फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग, जहां मैं लेकर के आऊंगी एक और ऐसी ही एकदम डिफरेंट सी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, भूलिएगा नहीं।